हेलो दोस्तों, हैशटैग गोंदिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं एक ऐसे अनोखे मंदिर का दर्शन करने जो नदी के बीचों बीच स्थित है। नदी में अगर ज़्यादा पानी रहा तो मंदिर का 50% से भी ज़्यादा हिस्सा डूब जाता है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आश्चर्यजनक है। ये हमारे विदर्भ की शान है। यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना है और संतों की मूर्ति की स्थापना है। बहुत ही बढ़िया है। यह तुमसर में है, ये इसे बड़ा देवाड़ा कहते हैं। तुमसर ये महाराष्ट्र में आता है। तुमसर रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद आप पैदल पैदल भी लाइन के किनारे किनारे जा सकते हैं और चौकी से कोई साधन लेकर आप 10 रुपये में बड़ा देवाड़ा पहुँच सकते हैं। अपन पहुँच गए हैं मंदिर लगभग। ये नदी है वैनगंगा नदी और इसको बीचों बीच में ये मंदिर है। देखो पुल दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है, पूरा प्राकृतिक है। उस साइड में मार्गी का क्षेत्र दिख रहा है। सर्वत्र नदी है, जहाँ वो आगे पीछे ऊपर नीचे और बीच में मंदिर है। श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। तो बैक साइड से आना हुआ, चौकी से साधन लेकर 10 रुपये में बैक साइड से आना हुआ और रेत है पूरी नदी में, चलने में तकलीफ़ हो रही है, रेत में पैर फंस जाते हैं। जब नदी में अत्यधिक पानी रहता है तो 50% से ऊपर हिस्सा नदी का, मंदिर का, पानी में ये हो जाता है। देखिए हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी को प्रणाम कर लीजिए। माता रानी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, नीम का वृक्ष है, पानी पीने के लिए घड़े की व्यवस्था की गई है। भगवान श्री नरसी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। सामने में रेलवे का पुल दिख रहा है जो नदी के ऊपर में है, घाट। इसे बड़ा देवाड़ा कहते हैं। ये तुमसर में है, वैनगंगा नदी पे बना हुआ है, ये बड़ा खूबसूरत है। अब अपन ऊपर चलेंगे। देखिए यहाँ से भी बहुत ही अच्छा लगता है। यात्रा पे, मेले पे असंख्य लोग आते हैं। देखिए संतों का स्थान भी है, दो संत बैठे हुए हैं। ऊपर में है, ये ऊपर चढ़ना पड़ता है इसके लिए। ऐसी जगह पे यात्रा पे, मेले पे आना चाहिए। अब आड़े समय पे यहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहती। भगवान दत्तात्रेय जी का फोटो लगा हुआ है। ये गोंदिया से लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में आएगा। अब हमारे विदर्भ के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी नदी और नदी के बीच में ये मंदिर। सब पौराणिक मंदिर हैं, प्रणाम कर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। पौराणिक चीज़ें, पुरातात्विक चीज़ें देखने का अपना एक अलग ही मज़ा है। अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम वापस अपने घर की ओर
अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। शाम का समय है, शाम हो चली है। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा।